हे गाइस, वेलकम बैक टू मूवीज बोल्ट। आप सभी का स्वागत है बोल्ट न्यूज सीरीज के एपिसोड 15 में, जिसके अंदर हम कुछ कमाल की एक्साइटिंग और बिल्कुल नई हॉलीवुड न्यूज की बात करेंगे। जैसे जॉन क्रिसेंस्की, जो हमें डॉक्टर स्ट्रेंज 2 मूवी के अंदर मिस्टर फैंटास्टिक का रोल निभाते हुए दिखे थे इल्यूमिनाटी के मेंबर के तौर पे, उनका फैंटास्टिक 4 के ऊपर बन रही मूवी जो 2023 में रिलीज होगी उसके अंदर दिखना, फास्ट एंड फ्यूरियस मूवी सीरीज किस तरह बर्बाद हो रही है, जो कि एक बहुत बड़ी सीरीज है लेकिन किस तरह वो डिस्ट्रक्शन की तरफ अपने बढ़ रही है, स्पाइडरमैन नो वे होम मूवी को मिलने वाले अवार्ड्स, और साथ में हम बात करेंगे एमसीयू के आज तक के सबसे बेस्ट विलन की, जो हमें फ्यूचर मूवीज के अंदर दिखने वाला है। तो इन सभी चीजों को जानने के लिए आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। हम बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारी सबसे पहली न्यूज आ रही है डॉक्टर स्ट्रेंज 2 मूवी की तरफ से, जिसकी PG-13 रेटिंग को लेकर काफी बवाल इंटरनेट पे हो रहा है। इसी मूवी के सिलसिले में एक इंटरव्यू में इस मूवी के राइटर जो कि माइकल है, उनसे सवाल पूछा गया, क्या ये मूवी सच में PG-13 रेटिंग डिजर्व करती है या नहीं। तो उनका कहना है कि डेफिनेटली ये मूवी PG-13 रेटिंग डिजर्व करती है, और इस तरह की मूवी बनाना जो कि PG-13 रेटिंग के होते हुए भी उस मूवी को देखने में थोड़ा डर लगे एज अ किड, तो ये एक बहुत बड़ी बात है उनके लिए कि उन्होंने ऐसी मूवी बनाई, ऐसी स्टोरी लिखी, ऐसा जवाब था उनका। और आई थिंक ये मूवी PG-13 रेटिंग ही डिजर्व करती है, क्योंकि जिन सीन्स की वजह से इस मूवी के ऊपर इतना बवाल चल रहा है कि ये मूवी PG-13 रेटिंग नहीं डिजर्व करती, इस मूवी को आर रेटेड कैटेगरी में होना चाहिए, उस सीन को जब मैंने भी पहली बार सिनेमा हॉल में देखा था तो मैं भी काफी शॉक्ड हो गया था, ये सीन क्या कर रहा है इस मूवी के अंदर। लेकिन उस सीन में कुछ भी ऐसा नहीं था जिसकी वजह से इस मूवी को आर रेटेड कैटेगरी में डाल दिया जाए, तो हाँ ये मूवी PG-13 रेटिंग डिजर्व करती है। आपको क्या लगता है आप हमें बताइए कमेंट सेक्शन के अंदर। हमारी नेक्स्ट न्यूज कोई न्यूज नहीं है, एक पोल है जो कि मैंने डाला था डॉक्टर स्ट्रेंज 2 मूवी से रिलेटेड। मैंने पूछा था आप सभी लोगों से कि कितने लोगों को डॉक्टर स्ट्रेंज 2 मूवी पसंद आई, तो 12,500 से लोगों ने उस पोल में हिस्सा लिया, जिसमें से 83% लोगों ने कहा कि उन्हें वो मूवी काफी पसंद आई, और 17% लोगों को कुछ खास पसंद नहीं आई। तो इस हिसाब से मोस्ट ऑफ द लोगों को ये मूवी बहुत ज्यादा पसंद आई है, और मुझे भी ये मूवी काफी पसंद आई थी जब मैंने थिएटर के अंदर इस मूवी को देखा था। खाली इस मूवी के अंदर सबसे बड़ी कमी ये थी कि हम लोगों ने बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन इस मूवी से बांध ली थी, और ये मूवी हम लोगों की एक्सपेक्टेशन पे खरी नहीं उतर पाई, इसी वजह से बहुत से लोग इस मूवी से थोड़ा डिसअपॉइंट हुए थे। बाकी मूवी तो ठीक ठाक ही है और मुझे काफी पसंद आई थी। तो अगली न्यूज आ रही है डॉक्टर स्ट्रेंज 2 मूवी की तरफ से ही, जहां पे इस मूवी के राइटर ने बताया कि इस मूवी का एक सीन एलियन मूवीज से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड था, जो कि जेम्स कैमरॉन की मूवी सीरीज थी, उन मूवीज से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड था। इस मूवी के अंदर यानी डॉक्टर स्ट्रेंज 2 मूवी के अंदर हम देखते हैं वांडा को, जो कि स्कारलेट विच बन जाती है और सभी इल्यूमिनाटी मेंबर्स को मार डालती है, चारों खाने छित कर देती है, तो वो सीन एलियन मूवी से काफी ज्यादा इंस्पायर्ड था, जहां पे एलियंस मार रहे होते इंसानों को बहुत बुरी तरह, कोई भी उनके सामने टिक नहीं पाता, तो उसी सीन से डॉक्टर स्ट्रेंज 2 मूवी का वो सीन इंस्पायर्ड था। हमारी नेक्स्ट न्यूज भी डॉक्टर स्ट्रेंज 2 मूवी की तरफ से आ रही है, जहां पे इस मूवी के राइटर से अगेन एक सवाल पूछा गया कि इस मूवी को बनाते हुए यानी डॉक्टर स्ट्रेंज 2 मूवी की कहानी लिखते हुए क्या आपके दिमाग में नमोर का आइडिया नहीं है, आपने नहीं सोचा नमोर के बारे में। तो उन्होंने कहा कि हाँ, इन्होंने नमोर को कंसिडर किया था क्योंकि वो इल्यूमिनाटी के फर्स्ट मेंबर्स में से एक था, इसीलिए इन्होंने बहुत सोचा था उसके बारे में और एमसीयू से बात भी की थी, लेकिन इनके हिसाब से एमसीयू के कुछ और प्लान्स होंगे नमोर के बारे में, इसीलिए उन्होंने इस आइडिया को ड्रॉप कर लिया, उन्होंने इंक्लूड नहीं किया नमोर को डॉक्टर स्ट्रेंज 2 मूवी के अंदर। हमारी नेक्स्ट न्यूज आ रही है थॉर लव एंड थंडर मूवी की तरफ से, जहां पे एंटरटेनमेंट वीकली को इंटरव्यू देते हुए इस मूवी के डायरेक्टर यानी कि टाटा वाटीटी ने बताया इस मूवी के मेन विलन के बारे में, जो कि इस मूवी के अंदर गौर है, जिसका रोल इस मूवी के अंदर क्रिश्चियन बेल निभा रहे हैं, जिन्हें हमने बैटमैन की मूवीज के अंदर देखा है जो कि क्रिस्टोफर नोलन की मूवीज थी, तो वही इस मूवी के अंदर गौर द गॉड बचर का रोल निभा रहे हैं। तो टाटा वाटीटी ने कहा गौर द गॉड बचर के बारे में कि ये एमसीयू का आज तक का सबसे बेस्ट विलन है, इससे बेस्ट विलन आज तक एमसीयू को नहीं मिला। इससे ज्यादा उन्होंने कोई और डिटेल नहीं दी इस मूवी के बारे में, क्योंकि वो इस मूवी को स्पॉइल नहीं करना चाहते, खाली उन्होंने इतना कहा कि गॉड द गॉड बचर एमसीयू का आज तक का सबसे बेस्ट विलन है। हमारी नेक्स्ट न्यूज आ रही डॉक्टर स्ट्रेंज 2 मूवी की तरफ से, जिस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में आपने क्लिया को देखा होगा, जिसका रोल इस मूवी के अंदर चार्लीज थेरॉन निभा रही है, जो कि आगे हमें डॉक्टर स्ट्रेंज 3 मूवी के अंदर भी देखने को मिलेंगे। तो उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे दो फोटो शेयर की, जिसके अंदर हम क्लिया को और डॉक्टर स्ट्रेंज को साथ में देख सकते हैं, और साथ में एक और फोटो के अंदर हम अकेले चार्लीज थेरॉन को भी देख सकते हैं कि उन्होंने मेकअप कर रखा है क्लिया वाला। तो आपको ये फोटोज कैसी लगी हमें बताइए कमेंट सेक्शन के अंदर। हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज की तरफ, जो आ रही है थॉर 4 की तरफ से, जहां पे टाटा वाटीटी ने इस मूवी के अंदर ज्यूस का रोल निभाने वाले रसल क्रू को टीज किया और बताया कि वो बहुत कमाल के एक्टर हैं। उनके वैसे तो बहुत से फ्रेंड्स थे, उनमें से रसल क्रू भी थे, लेकिन वो कितने कमाल के ये उन्हें नहीं बताता जब तक उन्होंने उन्हें सेट पर नहीं देखा। उन्होंने कहा जब भी वो रसल क्रू को देखते थे सेट पे, तो उनके मुंह से बस एक ही चीज निकलती थी, ओ शिट दैट्स राइट, यू आर रियली रसल क्रू, यू आर ए रियली अमेजिंग एक्टर, ऐसा उनके मुंह से निकलता था उनकी एक्टिंग को देखते हुए। और पर्सनली मैं भी रसल क्रू को बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ, उनकी एक्टिंग मुझे भी काफी ज्यादा पसंद आई थी, उनकी सबसे पहली मूवी मैंने देखी थी ग्लैडिएटर। तो आपकी सबसे फेवरेट मूवी कौन सी रसल क्रू की हमें बताइए कमेंट सेक्शन के अंदर। हमारी नेक्स्ट न्यूज आ रही है नो टाइम टू डाई मूवी के डायरेक्टर की तरफ से, जिनके ऊपर बहुत सारे आरोप लगे हैं सेक्सुअल मिसकंडक्शन के लिए। अब इस डायरेक्टर का यानी कि नो टाइम टू डाई मूवी के डायरेक्टर का नाम है कैरी फुकुनागा, जिनके ऊपर बहुत सारे आरोप लगाए हैं बहुत सी वुमन्स ने इंटरनेट पे, जिसमें से एक है एक्ट्रेस रेचल विनबर्ग, जिन्होंने कहा जब वो
20 साल की थी, इनके साथ काम कर रही थी, तो ये उनके ऊपर फोर्स कर रहे थे कि ये उनके साथ रोमांटिक रिलेशनशिप में आए। और भी बहुत सारे लोगों ने बहुत से आरोप लगाए कि ये जबरदस्ती डायरेक्टली इनडायरेक्टली तरीके से हमें फोर्स करते थे इनके साथ रिलेशनशिप बनाने के लिए। वैसे अभी तक इससे ज्यादा और कोई डिटेल नहीं अवेलेबल है इस केस के बारे में, आगे जैसी कोई और अपडेट आएगी मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा। हमारी नेक्स्ट न्यूज आ रही है थॉर लव एंड थंडर मूवी की तरफ से, जिसकी एक और नई इमेज को रिलीज कर दिया गया एंटरटेनमेंट वीकली के द्वारा, जहां पे हम थॉर को देख सकते हैं उसके स्टॉर्म ब्रेकर के साथ। इस इमेज के अंदर जहां पे पीछे घरों के अंदर आग भी लगी हुई है, लोग इधर उधर भाग रहे हैं, हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली ये जगह एसगार्ड हो, यानी कि अर्थ वाला एसगार्ड, जहां पे एसगार्डियंस आके बसे होते हैं। लेकिन ये नहीं पता कि यहां पे आग क्यों लगी है, वो तो हमें मूवी के अंदर ही पता लगेगा। आपको इमेज कैसे लगी हमें बताइए कमेंट सेक्शन के अंदर। अगर आपको इमेज चाहिए तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट सेक्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां पर भी जाके इस इमेज को देख सकते हैं। हमारी नेक्स्ट न्यूज आ रही है केविन स्पेसी की तरफ से, जिन्हें हमने हाउस ऑफ द कार्ड सीरीज के अंदर देखा होगा, जो नेटफ्लिक्स की सीरीज थी, जो उसके अंदर मेन लीड में थे और बहुत अच्छा रोल इनका उस सीरीज के अंदर था। लेकिन 2017 में जब मी टू मूवमेंट चल रहा था, तो उस समय इनके ऊपर आरोप लगाया था एक आदमी ने। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, एक आदमी ने इनके ऊपर आरोप लगाया कि इन्होंने उसका दुरुपयोग किया था, उसके साथ संबंध बनाए थे जब वो 14 साल का था और ये 26 साल के थे, जिसकी वजह से इन्हें हाउस ऑफ द कार्ड सीरीज से फायर कर दिया गया था। और साथ ही साथ एक मूवी आने वाली थी जिसका नाम था ऑल द मनी इन द वर्ल्ड, उसके अंदर भी इनका जो सीन था उसे भी कट करके रीशूट किया गया था एक दूसरे एक्टर के साथ, जिसका नाम है क्रिस्टोफर पल्मर। उनके साथ उन सीन्स को रीशूट किया गया था और इन्हें निकाल दिया गया था सभी मूवीज से, और 2017 से लेकर आज तक इन्हें कोई भी मूवी नहीं मिली थी। लेकिन अब फाइनली इनको एक बड़ी मूवी मिल गई है जिसका नाम है द मैन हु ड्रॉ गॉड। वैसे उस एक्टर का नाम तो मैंने आपको बताया नहीं जिसने इनके ऊपर ये सारे आरोप लगाए थे, उस एक्टर का नाम है एंथनी रैप, जिन्हें हमने देखा है स्टार ट्रैक डिस्कवरी सीरीज के अंदर। सो हमारी नेक्स्ट न्यूज आ रही है स्पाइडरमैन नो वे होम मूवी की तरफ से, जिसे एमटीवी अवार्ड में बहुत सारे अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट किया गया, जैसे कि बेस्ट मूवी, बेस्ट टीम, बेस्ट किस, बेस्ट हीरो, बेस्ट विलन, बेस्ट फाइट, बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए, मतलब टोटल 7 चीजों के लिए इस मूवी को नॉमिनेट किया गया है, क्योंकि लोगों को बहुत ज्यादा ये मूवी पसंद आई है। और सारे नॉमिनेशन जितने भी यहाँ पे होने वाले हैं लोगों के द्वारा होंगे, मतलब ऑस्कर की तरह क्रिटिक्स बैठ के नॉमिनेट नहीं करेंगे, वो डिसाइड नहीं करेंगे कि कौन सी मूवी को क्या मिलना चाहिए, कौन सा अवार्ड मिलना चाहिए। यहाँ पे फैंस डिसाइड करेंगे कि इस मूवी को कौन सा अवार्ड मिलना चाहिए। और सभी अवार्ड्स की अनाउंसमेंट होगी संडे 5 जून को 8 बजे ईस्टर्न टाइम और पैसिफिक टाइम के हिसाब से। हमारी नेक्स्ट न्यूज आ रही है अवतार 2 मूवी की तरफ से, जिसके पोस्टर को रिलीज किया गया था जो कि काफी अच्छा लग रहा था, लेकिन लोगों ने इसका मजाक बनाने में बिल्कुल भी कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने इस पोस्टर के अंदर दिखने वाले नावी को ब्लू से ग्रीन रंग का कर दिया, उसके कान छोटे कर दिए और साथ ही साथ वहां पर श्रेक लिख दिया, यानी कि लाइव एक्शन श्रेक मूवी होने वाली, जो कि काफी फनी लगता है। आप भी इस पोस्टर को देखिए कि आपको ये पोस्टर फनी लगा या नहीं, हमें बताइए कमेंट सेक्शन के अंदर। हमारी नेक्स्ट न्यूज है द क्राउ मूवी की तरफ से, जिसके रिबूट के ऊपर काम चल रहा है। ये मूवी आई थी 1994 में, जिसके अंदर हमें कहानी देखने को मिली थी एक आदमी की, जिसे और उसकी फियांसे को जान से मार दिया जाता है कुछ लोगों के द्वारा, जिसके बाद एक कौवे की मदद से, यानी क्राउ की मदद से हमारा हीरो वापस आता है इंसानों की दुनिया में, ताकि ये बदला ले सके उन सभी लोगों से। तो इसी मूवी को रिबूट किया जा रहा है, जिसकी नई मूवी हमें जल्द ही देखने को मिलेगी। और इससे ज्यादा इस मूवी के बारे में कोई भी अपडेट अभी तक हमारे सामने नहीं आया, सिर्फ इस मूवी के एक एक्टर की कंफर्मेशन कर दी गई है, जो है बिली, जो इस मूवी के अंदर हमें एरिक का रोल निभाते हुए दिखेंगे, जो कि इस मूवी के मेन हीरो होने वाले हैं। हमारी नेक्स्ट न्यूज आ रही है डॉक्टर स्ट्रेंज 2 मूवी की तरफ से, जहां पे अगर आपने डॉक्टर स्ट्रेंज 2 मूवी देख ली तो आपने वांडा को तो देखा ही होगा, यानी कि स्कारलेट विच को, जो लोगों से लड़ रही होती है, यानी हमारे हीरो से ही लड़ रही होती है। पहले खुद हीरो थी, लेकिन स्कारलेट विच की वजह से, यानी डार्क होल्ड की वजह से करप्ट हो जाती है और खुद एक विलन बन जाती है, एक ऐसी विलन बन जाती है जो थैनोस से भी कई गुना ज्यादा खतरनाक होती है। क्योंकि अगर आपने डॉक्टर स्ट्रेंज 2 मूवी देखी तो वहां पे आपको वो सीन तो याद होगा जब थैनोस मरा पड़ा होता है, क्योंकि इल्यूमिनाटी के मेंबर्स ने उन्हें मार डाला था। लेकिन यहाँ पे वो सब लोग मिलके भी नहीं जीत पाते वांडा से, यानी स्कारलेट विच से। स्कारलेट विच उन्हें बड़ी आसानी से मिनटों में मार डालती है, मतलब घंटों में नहीं, मिनटों में ही सबको मार डालती है, कोई भी उसके आगे बिल्कुल भी नहीं टिक पाता। तो यहाँ पे मुझे एक चीज समझ में आती है कि अगर इन्फिनिटी वॉर मूवी के अंदर ही थैनोस को और वांडा को आमने सामने कर देते तो आई थिंक थैनोस वहीं पे मारा जाता और आयरन मैन अभी भी जिंदा रहता, क्योंकि वांडा बहुत ज्यादा पावरफुल है, थैनोस से भी ज्यादा पावरफुल। क्या आपको भी ऐसा लगता है, हमें बताइए कमेंट सेक्शन के अंदर। हमारी नेक्स्ट न्यूज आ रही है अवतार 2 मूवी की तरफ से, जिसके टीजर ट्रेलर को रिलीज कर दिया गया था और इस टीजर ट्रेलर ने 24 घंटे के अंदर बहुत सारे ट्रेलर्स के रिकॉर्ड तोड़ दिए, स्टार वॉर के रिसेंट मूवीज के भी रिकॉर्ड तोड़ दिए, उनके ट्रेलर के व्यूअरशिप के रिकॉर्ड भी तोड़ दिए, क्योंकि इस मूवी ने 24 घंटे के अंदर 148.6 मिलियन से ज्यादा व्यूज क्रॉस कर दिए, मतलब 14,46,00,000 से ज्यादा व्यूज क्रॉस कर दिए, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। अगर हम बात करें रिसेंट स्टार वॉर मूवीज के ट्रेलर्स की, तो राइज ऑफ द स्काई वॉकर ने 112.4 मिलियन व्यूज क्रॉस किए थे 24 घंटे के अंदर, और फोर्स अवेकन ने 55 मिलियन व्यूज क्रॉस किए थे 24 घंटे के अंदर। इस मूवी ने उनसे भी ज्यादा क्रॉस कर दिए व्यूज। वैसे काफी लोगों को अवतार 2 मूवी का ट्रेलर पसंद नहीं आया, टीजर पसंद नहीं आया, उन लोगों को ट्रेलर टीजर कुछ खास लगा नहीं, लेकिन बिलीव में जब मूवी रिलीज होगी तब आपको पता चलेगा ये मूवी कितनी कमाल की है।
तो आप मूवी के आने का वेट कीजिए, क्योंकि इस मूवी की असली जान इस मूवी की 3D में छुपी हुई है, जिसे आप सिर्फ थिएटर के अंदर ही एक्सपीरियंस कर सकते हैं। हमारी नेक्स्ट न्यूज आ रही है फास्ट एंड फ्यूरियस 10 मूवी की तरफ से, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था अपनी रिसेंट वीडियोस के अंदर कि कैसे उस मूवी की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि मैंने उस वीडियो के अंदर आपको बताया था कि विन डीजल की वजह से कैसे इस मूवी की समस्याएं बढ़ रही हैं। इस मूवी के डायरेक्टर ने इस मूवी को छोड़ दिया, जिन्होंने इस फ्रेंचाइज की कई मूवीज को डायरेक्ट किया था, और आई थिंक उनसे बेस्ट डायरेक्टर इस फ्रेंचाइज के लिए नहीं था, फास्ट एंड फ्यूरियस 10 मूवी के लिए नहीं था। पहले जस्टिन लिन इस मूवी के 10th पार्ट और 11th पार्ट को डायरेक्ट करने वाले, लेकिन उन्होंने इस मूवी को छोड़ दिया, और अब द इनक्रेडिबल हल्क मूवी के डायरेक्टर इस मूवी को डायरेक्ट करने वाले हैं। और ये सारी चीजें हो रही है विन डीजल की वजह से, क्योंकि जो भी उन्हें पसंद नहीं आता, उनकी बात नहीं मानता, उसे मूवी से निकाल देते हैं, जैसे हुआ था द रॉक के साथ, ड्वेन जॉनसन के साथ, जिनके साथ विन डीजल का झगड़ा हो गया था, जिसके बाद उन्होंने इस सीरीज को फ्रेंचाइज को छोड़ दिया था। तो यही सारी चीजें मिलकर इस सीरीज को डिस्ट्रॉय कर रही है, बर्बाद कर रही है, क्योंकि अगर आए दिन डायरेक्टर ही बदलते रहेंगे, स्टोरी चेंज होती रहेगी, तो कैसे मूवी आगे बढ़ पाएगी। जस्टिन लिन ने यह भी बताया था कि उनके पास फास्ट एंड फ्यूरियस 10 मूवी की बहुत अच्छी स्क्रिप्ट थी, वो स्टोरी बहुत ज्यादा परफेक्ट थी, लेकिन फिर भी विन डीजल एक नई स्क्रिप्ट लेके आया, वो कुछ चेंजेस करना चाहते थे इसके अंदर, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उन्होंने इस बात को मना किया, लेकिन विन डीजल नहीं माने, इसके बाद उन्होंने इस सीरीज को छोड़ दिया। तो यही सारी चीजें मिलकर इस सीरीज को, इस फ्रेंचाइज को डिस्ट्रॉय कर रही है, जिसमें सबसे बड़ा हाथ विन डीजल का, जिन्हें हम इस सीरीज के अंदर डोमिनिक टोरेटो के नाम से जानते हैं। आपका इस बारे में क्या मानना है हमें बताइए कमेंट सेक्शन के अंदर। हमारी लास्ट न्यूज जॉन क्रिसेंस्की की तरफ से, जो कि हमें डॉक्टर स्ट्रेंज 2 मूवी के अंदर दिखे थे मिस्टर फैंटास्टिक के रोल में, और अब ये बातें बहुत तेजी से फैल रही हैं कि हमें फैंटास्टिक 4 मूवी के अंदर भी यही देखने को मिल सकती है, और इस बात के चांसेस भी बहुत ज्यादा हायर है। लेकिन आप लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि वो तो मारे गए उस मूवी के अंदर, यानी कि डॉक्टर स्ट्रेंज 2 मूवी के अंदर, तो उस मूवी के अंदर तो कई सारे डॉक्टर स्ट्रेंज भी मारे गए थे, लेकिन फिर भी हमारा डॉक्टर स्ट्रेंज तो जिंदा ही था, यानी कि अर्थ 616 का डॉक्टर स्ट्रेंज तो जिंदा ही था, और भी अलग अलग यूनिवर्स के डॉक्टर स्ट्रेंज जिंदा होंगे, तो डेफिनेटली किसी और यूनिवर्स में फैंटास्टिक 4 भी जिंदा होंगे, मिस्टर फैंटास्टिक भी जिंदा होंगे। तो यहाँ से ये बात तो क्लियर हो गई कि फर्क नहीं पड़ता कि उस मूवी के अंदर फैंटास्टिक 4 मरे थे या नहीं मरे थे, हमें फ्यूचर की मूवीज के अंदर जो फैंटास्टिक 4 की मूवी आने वाली है 2023 में, उसके अंदर जॉन क्रिसेंस्की दिख सकते हैं, क्योंकि अभी तक कास्ट की कंफर्मेशन नहीं हुई है। और मेरा भी यही मानना है कि इसके अंदर हमें जॉन क्रिसेंस्की देखने को मिलेंगे, उनकी वाइफ इनविजिबल वूमन के रूप में दिख सकती है, और साथ ही साथ बहुत से फैंस का भी यही मानना, और फैंस यही चाहते हैं, क्योंकि फैंस काफी समय से चाह रहे थे कि हमें जॉन क्रिसेंस्की देखने को मिले फैंटास्टिक 4 के रोल में। तो इसीलिए मार्वल वालों ने इस बात को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर स्ट्रेंज 2 मूवी के अंदर जॉन क्रिसेंस्की दिखा दिए मिस्टर फैंटास्टिक के रोल में। तो डेफिनेटली इस मूवी के अंदर भी हमें जॉन क्रिसेंस्की ही देखने को मिल सकते हैं फैंटास्टिक 4 के रोल में। और काफी लोग तो ये भी कह रहे हैं कि जैसे इस मूवी के डायरेक्टर ने इस मूवी को छोड़ दिया, यानी कि जॉन वेट्स ने इस मूवी को छोड़ दिया है, तो अब इस मूवी को डायरेक्ट करने के लिए भी दिया जाए जॉन क्रिसेंस्की को। वैसे मुझे नहीं लगता कि इन्हें इस मूवी को डायरेक्ट करने के लिए भी दे दिया जाएगा, बस मुझे यही लगता है कि ये इस मूवी के अंदर हमें मेन लीड में देखने को मिलेंगे। आपको क्या लगता है आप हमें बताइए कमेंट सेक्शन के अंदर। मैं आशा करता हूं आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी, अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।